अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शमशा अवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत के साथ होंगे और आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। सबसे पहले आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, प्रोग्राम के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे कवानीन की कुछ लोग खिलाफ वर्जी करते हैं और खिलाफ वर्जी करने के बाद ये बता देते हैं कि हम ये जुर्म कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग ई चलान से बचने के लिए अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियों के जो नंबर प्लेट्स है उसको हिडन करते हैं, उसके जो हिंसे होते हैं उनको वो हाइड करते हैं। अच्छा। यानी कि नंबर प्लेट टेम्परिंग करते हैं और नंबर प्लेट जब टेम्परिंग हो जाती है तो उसके बाद फिर क्या करते हैं कि वो घूम रहे होते हैं रोड्स पे। तो अब आपको बता दें हम कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इससे पहले ऐसा हो भी चुका है कि बहुत से पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स ने ऐसी गाड़ियों को पकड़वाया है, क्योंकि जब आप किसी भी नंबर प्लेट की टेम्परिंग करते हैं तो वो किसी भी एक कानून जुर्म बन जाता है, एक और दफात भी लग सकती है। तो अगर आप किसी FIR से बचना चाहते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना। और मोस्टली लोग ऐसा तब ही कर रहे होते हैं कि वो ई चलान से बचना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने ट्रैफिक की वायलेशंस करनी है तो ही आप टेम्परिंग करने, टेम्परिंग के अलावा तो कोई मकसद नहीं है ना। तो ये बता रहे हैं कि हम ई चलान करने जा रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं, खुद बता रहे हैं आप लोग। ये देखें, अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आप नहीं दूसरे लोग भी इससे काफी भारी नुकसान उठाएंगे। जगह अगर आप किसी सिग्नल की वायलेशन करते हैं तो डेफिनेटली ये बात तो कंफर्म है कि उससे कोई ना कोई हादसा हो सकता है। बिल्कुल, एक शहरी होने के नाते आपका फर्ज है कि आप जो है ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करें, और अगर आपने नहीं की तो ये ई चलान जो है वो आप पे करें। ई चलान से बचना जो है वो कोई हल नहीं होता, बल्कि ट्रैफिक की कवानीन की पाबंदी करना, यही इसका सोल्यूशन है। पहली खबर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। पहली जो कोरोना वायरस की ही खबर है, क्योंकि सारी बात है पाकिस्तान में जो है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं इससे मुतासर हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि कोरोना वायरस के अलावा भी कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कि उनकी अभी तक वैक्सीन नहीं आई, तो इसलिए जो है अल्लाह करे कि वैक्सीन तैयार हो जाए, एंटीबॉडीज़ बने, आपके जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ित हो, और जिस तरह भी है रिसर्च हो और वैक्सीन तैयार हो जाए। लेकिन अगर ये वैक्सीन नहीं तैयार होगी तो फिर भी हमने इसको साथ लेकर अब चलना है, मतलब ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगी। बाकी जो आप बता रही हैं ये जो बीमारियाँ हैं तो इनकी वैक्सीन नहीं है, तो इनका बताने का मकसद ही ये है कि उनकी वैक्सीन नहीं है, लेकिन उनके साथ जो दुनिया चल रही है ना, उनके लिए एहतियाती तदाबीर पर हमें अमल करना होता है। तो अगर आप लोग कोरोना से बचना चाहते हैं, बार बार हम अपने हर प्रोग्राम में जिक्र करते हैं और इसके बावजूद भी हमें जो एहतियाती तदाबीर उन पर अमल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उसमें फर्स्ट जो है वो HIV/AIDS है। HIV/AIDS की भी अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई, लेकिन जो है एहतियात ही है जो हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताते चलूँ कि HIV से अब तक 3,20,00,000 अफराद जो है उनकी मौत जो है वो नहीं बल्कि अम्बात हो चुकी हैं पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो, मतलब इतना ये मुतासिर हुआ है, इतनी ख़तरनाक बीमारी है। लेकिन जो है एहतियाती तदाबीर हैं, हम इससे बच सकते हैं। सिरिंज का इस्तेमाल करने से पहले आप ये मेक श्योर करें कि ये सिरिंज जो है वो बिल्कुल न्यू है, किसी ने यूज़ नहीं की, और जो और भी प्रिकॉशनरी मेजर्स इसके हवाले से दी गई हैं वो आप उनको ज़रूर फॉलो करें। दूसरा, मैं आपको बताते चलूँ कि दूसरा जो वायरस है वो भी बहुत ख़तरनाक है, लेकिन हम उसके साथ जी रहे हैं, उसकी भी अभी वैक्सीन तैयार नहीं। उसमें SARS है। SARS जो है वो भी एक COVID-19 की तरह ही एक फ्लू होता है, उसी तरह ही उसके सिम्टम्स हैं, बल्कि उसका बहन भाई कह लें कि COVID-19 जैसा ही है ये भी। लेकिन इसका मैं ओरिजिन बता दूं कि पहली बार ये सन 2003 में इंकशाफ हुआ था SARS फ्लू का, और 2002 में चीन के सूबा से यहाँ पे जो पहला केस जो है वहाँ से सामने आया। अच्छा, बहुत सारे जो केसेस मैं ये देखती हूँ कि फ्लू के जो केसेज़ हैं या COVID-19 है, MERS देख लें, SARS देख लें, ये यहाँ पर जो पहला केस दरियाफ्त होता है ना वो चाइना से ही होता है। इसका ओरिजिन चाइना है। आई डोंट नो इसकी क्या वजह है, लेकिन ओरिजिन जो है इसका भी चाइना है। और ये वायरस जो है ये भी सांस लेने में शदीद किस्म की दुश्वारी आपके पेश आएगी, और जो है इससे 2003 उससे में मिलता जुलता थोड़ा सा है, ये मिलता जुलता ही वायरस है। और 2003 तक इसमें 26 ममालिक में 8,000 से ज़ायद अफराद जो है SARS से मुतासिर हो चुके थे। लेकिन कोरोना जो है वो उसने तो बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। बिल्कुल, उसमें आप देखें कि अब तक 70,00,000 अफराद जो है वो कोरोना की जद में आ चुके हैं। तो मतलब कोरोना ने तो, और बहुत थोड़े अरसे में ये फैल गया है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि MERS जो है वो भी कोरोना वायरस की तरह की एक किस्म है। उसका पहला इंकशाफ 2012 में हुआ था, उसकी वजह से MERS
नामी बीमारी हुई थी और इस बीमारी में जो अमवात की शरह है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन यह है कि कोविड-19 में भी अब हम पाकिस्तान में देखें तो उसकी अमवात की शरह जो है कम है। फैलता ये बहुत ज़्यादा है लेकिन अमवात की शरह शुक्र है अल्लाह का अभी तक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम है। तो अल्लाह करे ऐसे रहे और अल्लाह करे इसकी वैक्सीन जो है वो तैयार हो जाए। इसके अलावा जो है मैं आपको बताती चलूँ कि एवियन इन्फ्लुएंजा, ये भी एक फ्लू है, वो भी जो है उसका ओरिजिन भी था वो 1997 में हांगकांग में पता चला था सबसे पहले इसका, और ये बड़े पैमाने में मुर्गियों को हलाक किया गया था। मतलब उसका ये था कि 1997 में ये वबा आई और स्टिल इसका अभी तक कोई भी इसकी वैक्सीन नहीं मौजूद। बिल्कुल, और ये कहा जाता है कि ये जो वबा है ये जानवर से, जिस तरह सार्स फ्लू कहा जाता है कि ये जो है चमगादड़ से मुंतकिल हुआ था इंसानों में, इसी तरह जो ये फ्लू है एवियन इन्फ्लुएंजा ये जो है मुर्गियों से कहा जाता है कि मुर्गियों से इंसानों में मुंतकिल हुआ था। तो इसी तरह के डिफरेंट जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट किस्म के वायरसेस जो हैं जिनकी अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं हुई लेकिन जो है दुनिया उसके साथ जो है चल रही है और किस तरह चल रही है प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके। तो कोविड-19 में भी आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करना है और जब तक ये नहीं खत्म होना इसके साथ ही हमने जीना है। आज मैं आपको निमशे एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, अक्सर हम पिछले प्रोग्राम में भी ये बता चुके हैं कि कुछ इंसान की ऐसी आदत होती हैं जिससे इंसान की शख्सियत के बारे में पता चलता है कि इंसान की शख्सियत कैसी है, और आज मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताने वाला हूँ, वो ये है कि हम अक्सर छींकते हैं। अच्छा, छींक आ जाती नेचुरल चीज़ है और छींक लेना भी ज़रूरी होता है, छींक मारना ज़रूरी होता है। छींक मारने का अंदाज और शख्सियत के दरमियान इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा, कि छींकने से आपके छींक मारने से आपकी शख्सियत का अंदाजा लगाया जा सकता है और आपकी शख्सियत के बारे में मालूमात ली जा सकती है कि इसकी शख्सियत कैसी है। बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुछ लोग माजरत ख्वाहना छींक मारते हैं। जब छींक मार रहे होते हैं या छींक मारने से पहले वो दूसरों से अपोलोजाइज करते हैं, फॉर लाइक दैट, अगर मैं छींक मारने लगा फौरन से आपको कहूंगा सॉरी या कहूंगा मुझे माफ कीजिए कि मैं इस वक्त छींक मारने लगा हूं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि दूसरों की जिंदगी पर ज्यादा असरअंदाज नहीं होते, वो खुद पसंद भी नहीं होते लेकिन अपनी जात में गुम रहने वाले होते हैं ज्यादा। अच्छा, एक मजे की चीज है कि अक्सर लोग छींक मारते हैं बुलंद आवाज में। अच्छा, बात ऐसी छींक होती है कि पूरा हॉल डर जाता है कि ये क्या हो रहा है। जो मर्द हजरात ऐसा करते हैं कि जब भी उनको छींक आती है तो काफी बुलंद आवाज में छींक मारते हैं और ये बात बताते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं और ये हमारा हक है, हम इतनी ऊंची आवाज में ही छींक मारेंगे। धीमी आवाज में छींक मारने वाले लोग, कुछ लोग बड़ी धीमी आवाज में छींक मारते हैं और उनकी पर्सनैलिटी किस तरह से होती है, सबसे पहले तो ये कि वो ये नहीं चाहते कि दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करें और उनका ये अक्सर उनके जहन में ये होता है कि वो थोड़ा सा खुद एतमाद उनमें बहुत कम होती है और वो कतराते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। इसके बाद छींक को रोकने की कोशिश करने वाले लोग, जितना मर्जी रोक लो छींक रुकती नहीं है, पता नहीं कौन से लोग हैं वो रोक लेते हैं। मैं तो बड़ी कोशिश की है लेकिन मुझे छींक आ जाती है। लेकिन वो लोगों का एक्चुअली माइंड इस तरह से होता है कि वो लोग नहीं चाहते कि किसी के अमन किसी के सुकून को बर्बाद करें। अच्छा, वो नहीं चाहते कि उनकी छींक की वजह से कोई और मुतासिर हो। उनकी पर्सनैलिटी भी बड़ी जबरदस्त किस्म की होती है कि वो लोग अपने आप से बहुत मुखलिस होते हैं और आसानी से दूसरों से मुतासिर भी नहीं होते। मुतासिर मैं भी नहीं होती लेकिन मैं छींक रोक नहीं सकती, पता नहीं शायद अब ये रिसर्च में थोड़ा ये माहिर ने कहा जी, ये बात सच भी हो सकती है। और आखिरी बात कि कोहनी पर मुंह रख के छींकने वाले लोग जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस है और बार बार ये बात बताई जा रही है कि अगर आपके पास टिश्यू या रुमाल नहीं है तो आप कोहनी पर हाथ रख के छींक सकते हैं ताकि आपके जर्म्स किसी और तक मुंतकिल ना हो सकें। तो ऐसे लोग कानून को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। अगली खबर भी कोरोना वायरस से रिलेटेड है लेकिन कोरोना वायरस जो है बिल्कुल एक लॉकडाउन की सूरत हाल थी, हम एक ट्रैवल नहीं कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते थे और मैंने बहुत जगह फाइक देखा कि फैमिलीज़ में गैदरिंग्स नहीं थी, शादियां जो है वो बड़े सिंपल तरीके से की गई और इसी तरह जब भी किसी की फैमिली में कोई अमवात मतलब होती थी वो भी बड़े सिंपल तरीके से कुछ लोग जाते थे और वो जो है दफनाते थे क्योंकि ट्रैवलिंग बिल्कुल मना थी, लोग जा नहीं थे सकते। अब मैं आपको बताऊँगी कि अगर कोरोना वायरस की सूरत हाल इसी तरह रही पता नहीं कितने साल, मतलब साल लगता है, दो साल लगता है जब तो तक वैक्सीन नहीं आएगी, जिंदगी किस तरह से हो सकता है, किस तरह की सबसे ज्यादा जो आपके सफर करने के मामूलात हैं और उसमें क्या तब्दीली आएगी और जिस जो आपको कैरी करनी पड़ेगी साथ साथ। सबसे पहले जी हवाई सफर की बात करते हैं, हवाई सफर जो है अभी तक बहुत ज्यादा ममालिक में अभी तक करना पड़ता है, बिल्कुल आप तरजीह भी देते हैं क्योंकि आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव जरूर है लेकिन ऑप्शन जी ऑप्शन
लेकिन अच्छा मैं अब आपको बताऊं कि हवाई सफ़र में क्या तब्दीली आ सकती है। अभी तो खैर बैन है, बहुत से ममालिक ने बैन किया है, बहुत थोड़ी हद तक उन्होंने खोला है लेकिन मोस्टली बैन है। सबसे पहले तो ये होगा कि जब आप हवाई सफ़र में जाएंगे तो आप अपने पहले तो आपके साथ वाली सीट पे आपका कोई दोस्त बैठ जाता था, आपके स्पाउस होता था, आपके पेरेंट्स या कोई भी आपका जो रिलेटिव है वो बैठ जाते थे। लेकिन अब जो है दरमियान दूर दूर रहेंगे, होगी ही नहीं दरमियान वाली सीट, होगी ही नहीं, एक इधर सी सोड़ की दरमियान वाली सीट नहीं होगी, उसके साथ एक सीट होगी। मतलब दो दोस्त, अगर अच्छा रिमशो दो दोस्त जाना चाह रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो अब वो बेचारे गॉसिप्स किस तरह से करेंगे? वो गॉसिप्स नहीं कर सकेंगे क्योंकि दूसरे लोग सुन सकेंगे उनकी गॉसिप्स। इतने फासले में जब आप बात करेंगे तो आपकी आवाज बुलंद होगी काफी और दूसरे लोग उनको सुन सकते, तो ये भी परेशानी है थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन ये कोई बात नहीं, अगर आपने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, आजकल मोबाइल फोन, हवाई जहाज में मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी नहीं हो सकता ना, मजबूरी है वहां। लेकिन ये है कि आप कोई मूवी देख ले अच्छी सी कोई, मतलब टाइम इस तरह पास कर ले। लेकिन ये कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हवाई जहाजों में इस तरह का सफर होगा। बाद अगली बात करते हैं कि ट्रेन की जानिब चलते हैं। ट्रेन का सफर, ट्रेन में बड़ी ज्यादातर लोग करते हैं, ज्यादातर लोग जो है अगर आप सिटी में हैं या फिर आउट ऑफ सिटी जाना चाह रहे हैं तो हम ट्रेन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं बजाय के पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ट्रेन में जी है, अब आप देखें कि जब हम आते हैं तो 3 जो स्लीपर्स जिन्हें कहा जाता है वो इकट्ठे होते हैं, तो अब क्या होंगे, 3 स्लीपर्स नहीं होंगे, 3 की बजाय अब 2 स्लीपर्स होंगे और आप वहां पे जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। और अटैच वॉशरूम होगा हर स्लीपर के साथ और इसी तरह का निज़ाम बना दिया जाएगा कि सारे पैसेंजर को पता होगा कि अभी अंदर जो है वॉशरूम में कोई मौजूद है, ताकि वहां पे क्यों ना बन सके, लोग एक दूसरे के करीब ना आए। और इसी तरह बसों में देख लें, बसों में जाएंगे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो जो 2 की सीट है वहाँ पे एक फर्द बैठेगा, 2 नहीं। समाजी फासला रखना है आपने, कोरोना वायरस के बाद भी आपने ये करना है, तो जो तर्ज़ ज़िंदगी वो इसी तरह थोड़ी बहुत बदलेगी। आप ट्रेन का सफर करें, हवाई जहाज का सफर करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफर करें, तो आपको क्या कर रहे हैं कि आपको सामाजिक फासला रखना है। और इसके अलावा उनकी एंट्रेंस पे और एग्जिट पे जो है वो एक बड़ा सा दरवाजा नस्ब किया जाएगा जिसके अंदर से आप गुजरेंगे और आप सैनिटाइज होंगे और थोड़ी थोड़ी सी चेंजिंग होगी, कोई बात नहीं, मामूल की बड़ी चेंज यही है कि आप गॉसिप्स नहीं कर सकते। खैर ये तो चेंजिंग आएगी आपकी ज़िंदगी में और आखिर में यही कहेंगे कि हमें कोरोना वायरस से बचना है तो एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है। इसी के साथ अब हमें चाहनी है इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसके साथ साथ हमें फेसबुक पे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको हमारा शो कैसे लगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।